हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल रिजोल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम विनय है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एडोस फाई एसेसरीज किट को, जो कि है स्पेशली गोप्रो के हीरो 8 एक्शन के लिए। दोस्तों, आपके पास ये कैमरा है और आपको इसके लिए प्रोटेक्टिव एसेसरीज किट चाहिए, तो ये किट दोस्तों आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो दोस्तों, मैं अभी आपको इसका अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ कि इस पैकेज के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये सारा सामान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये कवर को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसे ये वाटरप्रूफ कवर है ना, तो ये वाटरप्रूफ कवर है, इसे हम देख लेते हैं किस टाइप का है ये। ये देखिए, यहाँ से इसका आप एडजस्ट कर सकते हैं इसकी जो टाइटनेस है। यहाँ पे आपको बटन के लिए ये बटन दिया गया है, तो इसे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो शूटिंग का जो बटन है वो प्रेस हो जाएगा। ऊपर भी दिया गया है किसी तरह से। तो दोस्तों, ये हमारा वाटरप्रूफ केस है। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली जो कैमरा है जो मैंने ऑर्डर किया था वो अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो मैं आपको ये केस को अपना जो कैमरा है उसमें फिट करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इसे आपको कैसे लगाना है। तो आपको जस्ट इसे बाहर की तरफ प्रेस करना है और ये खुल जाएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो वाइट बॉर्डर है, आप इसे ऐसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फिल्म दी गई है, ये फिल्म इसे आप निकाल देंगे तो सही रहेगा, तो आपका जो स्क्रीन है वो ठीक से आपको दिखेगा। सामने की तरफ भी एक फिल्म लगा है लेंस के लिए, उसे भी आपको निकाल देना है। तो मैं आपको वापस से इसको लगा के दिखा देता हूँ। आपको ऐसे बंद करना है, फिर ये जो है इसको यहाँ लाना है और फिर ये यहाँ से नीचे प्रेस करना है, तो ये इस टाइप से लग जाएगा। ठीक है, अभी इसको मैं साइड में रख देता हूँ, आपको बाकी सामान दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलता है एक सिलिकॉन रबर प्रोटेक्टिव केस, ये है। तो इसमें आपको कुछ सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक छोटा जो डिस्प्ले है उसके लिए है, ये लेंस के लिए है, पीछे आपका एलसीडी पैनल आएगा। ठीक है, साथ में आपको एक कॉर्ड मिल जाएगी। ये इसका बिल्ड क्वालिटी दोस्तों अच्छा है, ये देखिए। ये दोस्तों काफ़ी यूज़फुल है, अगर आपका कैमरा कहीं पर गिर जाता है तो काफ़ी कम चांस है कि उसमें कोई डैमेज होगा, क्योंकि ये दोस्तों काफ़ी स्पंजी है और इसमें आपका जो कैमरा है उसमें स्क्रैच होने के चांस भी काफ़ी कम रहेंगे। ठीक है, ये देखिए, इसमें आपको लेंथ को कम ज़्यादा करना है, तो इसको दबा के रखना है तो ये कम से ज़्यादा हो जाएगा। अभी लास्ट आते दोस्तों स्क्रीन प्रोटेक्टर को। तो दोस्तों, लास्ट जो है वो है स्क्रीन प्रोटेक्टर।
देखिए तो दोस्तों इसमें ये आपको लेंस, दोस्तों इसमें ये जो है ये आपका लेंस, तो दोस्तों इसके अंदर ये जो है ये आपका जो छोटा डिस्प्ले है जिसमें आपको इंडिकेटर देखने को मिलते हैं कि आपका कौन सा रिजोल्यूशन चल रहा है उसके लिए है। ये कुछ वाइप्स दिए हैं, इन वाइप्स की हेल्प से आप स्क्रीन्स को या फिर लेंस को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों डिस्प्ले का स्क्रीन गार्ड है, या आप ग्लास गार्ड बोल सकते हैं, टेम्पर ग्लास बोल सकते हैं, तो इसको भी हम लगा सकते हैं। और ये आपका जो है लेंस प्रोटेक्टर है, इसको आप लेंस पर लगा दीजिएगा तो आपके लेंस पे स्क्रैच नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों गोप्रो हीरो 8 एक्शन के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो लेंस है वो फिक्स आता है, तो अगर एक बार आपका लेंस में स्क्रैच पड़ जाएगा या फिर उसमें कोई डैमेज लग जाएगा तो दोस्तों आपको पूरा कैमरा ही रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप लेंस को चेंज कर पाए। तो इस कारण से दोस्तों ये एक्सेसरीज आप परचेस कर सकते हैं, दोस्तों आप ले सकते हैं, क्योंकि जो क्वालिटीज़ है काफ़ी अच्छी है। ये देखिए ये जो वाटरप्रूफ केस है इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें दिखने में तो काफ़ी सही लग रही है मुझे। बाकी दोस्तों हम देखते हैं, अगर हमारा कैमरा जल्दी डिलीवर हो जाता है तो मैं आपको इसे फिट करके भी दिखाऊंगा एक बार, और अभी अगर आप मुझसे पूछे कि आपको लेना चाहिए या नहीं तो मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली आप ले सकते हैं इनको, और बाइंग जो जो बाइंग इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। उससे ज़्यादा महंगा एक्सेसरीज नहीं है, आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती है बहुत ही कम प्राइस में।